हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट कैसे निकाले। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना स्टेटमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं कितना भी पुराना, तो आप किस तरह से निकालेंगे, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आपको वीडियो को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने मोबाइल फोन में आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो दोस्तों इसमें आपको सर्च करना है बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे आप इसमें इतना सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में यहाँ पर ऑल बैंक पासबुक स्टेटमेंट का इस तरह का एक एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन को आपको इसको आपको डाउनलोड करना है। जैसा कि हम इसको पहले से हम डाउनलोड करके रखे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा कि इसको हमको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में काफ़ी सारे यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में आएगा। तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा कि देखिएगा ऊपर में हमारे सामने में इस तरह का यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पर हमको इस पर हमको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका बैंक का नाम यहाँ पर आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पर हमको इसमें करना क्या पड़ेगा कि देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन दिखा देगा कि SMS बैंकिंग का, तो इस पर आपको करना क्या है कि इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा हमारे सामने में फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। तो उसी के नीचे में दोस्तों देखिएगा एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का। अगर आप अपना बैंक का बैलेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करके आपको बैलेंस आपको चेक करना है। लेकिन अगर आप अपना स्टेटमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो नीचे में देखिएगा मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने में फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिएगा नीचे में सेंड SMS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना क्या है कि इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिएगा इस तरह का एक सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने में SBI का इस तरह का एक मैसेज आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने में लिंक दिखा देगा, ये वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने में दोस्तों यहाँ पर SBI का इस तरह का वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा फाइनली आपका जो स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने का यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा फिर से एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको SBI का जो भी इंटरनेट बैंकिंग बनाए होंगे उसका ID पासवर्ड यहाँ पर आपको इसमें आपको एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों फाइनली आपका जो स्टेटमेंट है SBI का यहीं से आपको अपना डाउनलोड कर लेना है।